बनाई थी। ये देखो, ओए ओए भाई साहब, क्वांटिटी देख रहे हो, एक बंदे के लिए एनफ है ये। हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज मैं आपको लेके आ गया हूँ तारा अपार्टमेंट। साउथ दिल्ली का है ये एरिया। अगर आपको चाइनीज़ फूड के बहुत ज़्यादा शौकीन है और आपको चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है, तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये चाइनीज़ वैन बहुत ज़्यादा फेमस है इस एरिया में। तो गाइस, इसलिए मैं आपको आज यहाँ पर लेके आया हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें ये बनाते हैं और करेंगे इनके फूड को ट्राई। तो लेट्स कम विद मी। ये भैया ने डाला एग इसमें, ये आप देख रहे हो, क्योंकि ये हमारी बन रही है फ्राइड राइस, चिकन एग फ्राइड राइस। तो इसमें भैया ने सबसे पहले एग डाला। अल्टीमेट लग रहा है गाइस ना, अभी तो एग हमारा बना रहे हैं, अभी इसमें डालेंगे देखना दो तीन चीजें। अभी आप देख रहे हैं चॉप कर रहे हैं चिकन को। तो भैया ने डाला ओके, गाजर है और अनियन है, कैप्सिकम है, ओके। तो भैया कहाँ से हो, पीछे से कहाँ से हो आप? नेपाल से? वो भैया भी नेपाल से हैं, ये तो प्रॉपर तरीके से मिलेगा आपको यहाँ पे। ये डाल दिया भैया ने इसमें, एग जो बनाया था ना उसके पीसेस करे भैया ने, उसको पीसेस करे, और जो ये चिकन जो काटा था अब उसको थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं जैसा आप देख रहे हो। और ये भैया ने इसमें डाले राइस, ये डाला भैया ने राइस, ये भैया ने इसमें डाला सॉल्ट। तो ये क्या भैया? ओजिनो भाई, ओजिनो डाला है भैया ने इसमें। ये ग्रीन चिल्ली डाली भैया ने, ये रेड चिली, ये स्पाइसी है भैया ये? अच्छा स्पाइसी है भाई रेड वाली। ये डाला भैया ने सोया सॉस, आय है। अब इसका बनेगा भाई साहब मजेदार हमारा फ्राइड राइस। ये क्या भैया? सिरका। अच्छा सिरका, सिरका गजब भाई। और ये डाला भैया ने पालक, पालक है, ओके पालक डाला है भैया ने। मुझको तो धनिया लग रहा था लेकिन पालक है। तो आपको अगर यहाँ पे आना है ना, तो वैसे इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ तक आ सकते हैं। ये गाइस हो गया हमारा रेडी, जैसा आप देख रहे हो, क्वांटिटी देख रहे हो, एक बंदे के लिए एनफ है ये। मतलब एक बार एक बंदे के लिए आराम से पेट भरेगी ये इनकी फ्राइड राइस एग चिकन वाली। चलो हमारा नेक्स्ट जो आइटम है वो बनवाते हैं भैया से। क्या बनाओगे भैया अभी? चिली चिकन रेडी करवाते हैं भैया से इस बार। भैया ने फिर से इसमें डाला गार्लिक यानी कि लहसुन, ये डाला भैया ने इसमें शिमला मिर्च, आप देख रहे हो कैप्सिकम डाला है इन्होंने। मतलब चिली चिकन का जो कटिंग होती है ना वो डिफरेंट होती है, तो आप देख रहे हो कैप्सिकम कैसे कटा हुआ है और प्याज कैसे कटी हुई है, अनियन, कैरेट, सारी चीज़ें उसका कटिंग ही बता देती है चिली चिकन के लिए रेडी हो रहा है। ये देखो, ओए ओए भाई साहब गजब भाई गजब, मज़ा आ गया देख के। ये डाला भैया ने इसमें चिकन। तो भैया ये चिकन के ऊपर जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है जो आपने इसमें? अच्छा मैदे का बेस है। अच्छा जो मैदा होता है ना उसका बेस होता है चिल्ली चिकन के ऊपर जो हम लोग देखते हैं ना, तो उसी से और ज़्यादा टेस्टी लगता है ये भाई, देखने में बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है मुझे तो। देखो ना कितना टेम्पटिंग लग रहा है देखने में, आप भी देखो तो फास्ट है। ओए होए भाई साहब मज़ा। ये डाल दी भैया ने इसमें सॉस, चिली सॉस डाल दिया भैया ने इसमें, ग्रीन सॉस, चिली सॉस, और ये सोया सॉस डाला भैया ने, और ये डाला सिरका। थोड़ा दूर कर लेता हूँ, मेरे कैमरे में आ जाएगा मैं ना। और आना
ये हो गया हमारा रेडी यानी। ओए होए 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 भाई साहब, इसको भी रखते हैं साइड में अभी के लिए साइड में रखते हैं। अब हमारा फाइनली एक जो चिली पोटैटो है ना, जो बहुत लोगों का फेवरेट होता है, एक वेज आइटम भी वो बनवाते हैं आज हम अभी हम। तो ये हमारा फ्राई फ्राई हो रहा है और यहाँ पे भैया इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं बनाने की। तो फ्राई होने के बाद भी इसमें काफी चीजें होती हैं, और बाकी आप देख रहे हैं शिमला मिर्च हो गई, प्याज हो गई। तो अभी तो यहाँ से भैया निकालेंगे और वहाँ डालेंगे। तो भैया ने इसमें चिली सॉस डाली आपके सामने, और ये डाली रेड चिली सॉस। ये भैया ने यहाँ से कढ़ाई से निकाल रहे हैं और आप देख रहे हैं, और यहाँ पे भैया ने ट्रांसफर कर दिया। तो भाई मुझे तो दिखने में क्रिस्पी लग रहे हैं, लेट्स सी कितने क्रिस्पी बनते हैं ये फाइनल इसको होने के बाद। मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो देख के। मेरे फेवरेट हुआ करते थे जब मैं स्कूल जाता था ना, तो मम्मी से जब पैसे मिलते थे मम्मी पापा से, तो मैं अपने पैसे बचा के चिली पोटैटो के लिए पूरा उसको जमा करके मैं चिली पोटैटो बहुत खाता था। अरे भाई हाफ प्लेट है, देख रहे हो कितनी ज्यादा है, क्वांटिटी बहुत सही है यहाँ पे, क्वांटिटी का मुझे मजा आया यहाँ देख के। गजब, ये सब चीजें ना इन भैया ने बनाई। भाई अपना नाम बताओ अपने हमारे दर्शकों को। विमल, कहाँ से हो? नेपाल से। नेपाल में काठमांडू? नहीं, गुडुल। अरे भाई साहब, चलो भैया थैंक यू सो मच हमारा खाना बनाने के लिए। सो गाइज, ये है इनकी रेट लिस्ट, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इनकी रेट लिस्ट को। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनके पास, और यहाँ पे ये सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक होता है, तो आप अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर किसी भी टाइम यहाँ पे आ सकते हैं। करते हैं इनके फूड को ट्राई, और मैं बताता हूँ किस तरीके कैसा बना इनका फूड। अल्टीमेट चिकन, तो इसने भर भर के पीस डाले हुए ना भैया ने, मजा आ रहा है, हर बाइट में एक चिकन का पीस मिलेगा आपको। दो पास दो ने। ये देखो मजा। तो गाइस अल्टीमेट इनकी फ्राइड राइस लगी मुझे। अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके गूगल मैप की सहायता से आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब करते हैं इनका चिली चिकन ट्राई। अल्टीमेट भाई, स्ट्रीट फूड का मजा ही अलग होता है। अगर आप भी हैं स्ट्रीट फूड लवर ना, नीचे कमेंट में करके बताइए आपको सबसे बेस्ट चीज क्या लगती है स्ट्रीट फूड में। नेक्स्ट टाइम मैं उसी का रिव्यू करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। तो भाई अब हम इनका करते हैं चिली पोटैटो। ये मेरे फेवरेट हुआ करते थे बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ मैंने। भाई पूरा क्रिस्पी है चिली पोटैटो इनका, बहुत तरीके से शेफ ने बनाया हुआ है, मजा आ गया मुझे तीनों चीजें ट्राई करके। तो आपको रिकमेंड करूंगा एक बार आप यहाँ पे आए, इनके फूड को ट्राई करें, अच्छा लगता है तो मेरे को नीचे कमेंट में मेरे को बताएं कैसा लगा आपको इनका फूड। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू।